अभी आप सुन रहे थे मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। आपको बता दें, भोपाल से खबर, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को लिखा पत्र, कहा एमपी कांग्रेस के पोस्टर में नजर नहीं आएंगे वे। एमपी कांग्रेस के पोस्टर में नजर नहीं आएंगे दिग्विजय सिंह, मुझे होर्डिंग्स पोस्टर से रखा जाए दूर, दिग्विजय सिंह ने कहा है। भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल पोस्टर में मेरी तस्वीर ना लगाई जाए, सिर्फ सोनिया, राहुल, खड़गे और कमलनाथ की ही तस्वीर हो। भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं दिग्विजय सिंह, आपको बता दें। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को लिखा पत्र, एमपी कांग्रेस के पोस्टर में नजर नहीं आएंगे दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा है मुझे होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में ना रखा जाए। भोपाल से बता रहे हैं आपको खबर दिग्विजय सिंह के बारे में। उन्होंने कहा है, कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि मुझे होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में ना रखा जाए, सिर्फ सोनिया, राहुल, खड़गे और कमलनाथ की ही तस्वीरें हों। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी लेंगे दुष्यंत पाराशर से, हमारे संवाददाता। दुष्यंत, जिस तरह से ये दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि मुझे होर्डिंग्स पोस्टर से रखा जाए दूर, सिर्फ सोनिया, राहुल, खड़गे और कमलनाथ की तस्वीरें हों पोस्टर्स में, क्या जानकारी है उनके इस पत्र को लेकर? देखिए, साफ तौर पर जो पत्र एक जो है कमलनाथ के लिए लिखा है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो साफ तौर पर वो अपने पत्र के माध्यम से ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो भी होर्डिंग भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा के जो भी होर्डिंग्स या पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं उनमें उनकी तस्वीर जो है उसका उपयोग नहीं किया जाए। बाकी चाहे राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तमाम सारे लोगों की तस्वीरों का उपयोग जरूर इन होर्डिंग पोस्टर में किया जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह की फोटो इन तमाम सारे होर्डिंग पोस्टर में नहीं ले लगाई जाए, और ऐसी उन्होंने कामना करते हुए पत्र लिखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लगातार यात्रा को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, उसको लेकर जो जो भी सामग्री अब तक बनाई गई है उसमें जो फोटो लगाए गए हैं, तो आगामी जो समय में जो पोस्टर और बैनर बनाए जाए उनमें इस तरीके के फोटो का उपयोग ना किया जाए। और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि वो उनकी फोटो अगर नहीं लगाई जाती है तो उनको खुशी होगी, क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को जोड़ने के लिए काम करना चाहते हैं, ना ही किसी बैनर पोस्टर में फोटो लगाने की अपेक्षा वो ज्यादातर जमीन पर काम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरीके की पत्र लिखकर कमलनाथ को अवगत कराया है। हालांकि अभी कांग्रेस की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया इस पर निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन अगर पत्र की बात करें तो पत्र कमलनाथ को भेजा गया है और इस पर किस तरीके से अब निर्णय लिया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ठीक जानकारी दी आपने दुष्यंत, आपका शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। आपको बता दें, एमपी कांग्रेस के पोस्टर में नजर नहीं आएंगे दिग्विजय सिंह।